एशिया कप का 5th मैच है और डिसाइडर मुकाबला है, सुपर फोर में दोनों टीम को जाना है तो मैच जीतना है। तो दोस्तों श्रीलंका बांग्लादेश जहां 5th मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ने वाली है, सब कुछ यहां पे अपडेट मिलेगा, टीम से रिलेटेड, टीम न्यूज़ से रिलेटेड, पिच कैसा बिहेव करेगा, प्लेइंग 11 क्या रहने वाले हैं और क्या चेंजेस कुछ होने वाले हैं तो बताऊँगा सारे वीडियो में। साथ में आपको टीम बना के दूंगा और टीम में बताऊँगा कि कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तो सबसे पहले बात करेंगे मेरा टेलीग्राम, मैच वाले जो भाई है जो मैच में इंटरेस्टेड है वो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए ज्वाइन हो जाए, काम आपको अनदर लेवल का मिलेगा, सुपर से भी ऊपर मिलेगा, तो काम एक बार चेक कर लीजिए। व्हाट्सएप पर मैच और सेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा, आप नाम लिख के मैसेज कर दिया जाएगा। 1 सितंबर थर्सडे को मैच खेला जाएगा 7:30 PM इंडस्ट्रियल टाइम पर, हॉटस्टार पर देख सकते हो लाइव। और यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, यहाँ पे दुबई पे अभी 3 मैच आपको देखने को मिला, जो कि तीनों मैच यहाँ पे चेसिंग मैच, जो कि 3 में से 2 मैच यहाँ पे देख सकते हो चेसिंग करते हुए टीम जीती, जो कि पहला मैच तो श्रीलंका और अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान ने इजी से चेस किया और दूसरा मैच इंडिया ने भी चेस किया। तो दुबई स्टेडियम की बात करेंगे, पिच कैसा बिहेव कर रहा है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे पिच बहुत ही स्लो हो चुका है कंटिन्यू मैच होने के कारण, और ये थोड़ा स्पिनर को यानी स्विम बॉलर स्पिनर थोड़ा सा स्टार्टिंग में बाउंस रहेगा, तो बाउंस के कारण यहाँ पे स्विम कराते हुए जो कि पेसर है वो स्विम कराते हुए नज़र आएंगे, तो स्विमर्स और बाद में बहुत स्लो हो जाएगा, यहाँ पे रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पिनर को बहुत मदद मिलेगा। टोटल 77 में से 36 फर्स्ट बैट और 40 सेकेंड बैट यहाँ पे जीती है, चेसिंग के फेवर में मैच हुए हैं क्योंकि स्कोर ज़्यादा बनता नहीं है, 150 के बिलो रहेगा स्कोर, 143 का एवरेज स्कोर है इस पिच पे और 150 से बिलो सबसे ज़्यादा 43 मैचों में लगे। दुबई की बात करें यहाँ पे ज़्यादा स्कोर नहीं लगेगा, 150 के राउंड स्कोर होने वाला है, 140 160, और इसी स्कोर में अगर 130 भी लगता है तो काफ़ी कलरफुल मैच देखने को मिलेगा आपको। बाउंड्री थोड़ी लंबी है, स्विमर्स स्पिनर इफेक्टिव होंगे और इवनिंग टाइम है तो ड्यू तो लेट से आता है, सेकेंड इनिंग में आपको ड्यू मिल जाएगा जिससे कि थोड़ा बॉलर दिक्कत देगा बॉलर को बॉलिंग कराने में। टीम न्यूज़ श्रीलंका ने बात करें और यहाँ पे श्रीलंका की बात करें यहाँ पे धनुष सनाका स्क्वाड को लीड करेंगे धनंजय दी सिल्वा और दिनेश चांदीमल को, चांस मिल सकता है क्योंकि श्रीलंका का टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस पिछले मैच में बहुत ख़राब था। बांग्लादेश की बात करें साकिब अल हसन स्क्वाड को लीड करेंगे, नसूम अहमद और मेहदी हसन मिराज को मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे आप प्लेइंग 11 देख सकते हो बांग्लादेश की तरफ से, मोहम्मद नैम, अनामुल हक, साकिब अल हसन, आफिफ हुसैन, मुस्फिकीर रहमान, मुसद्दक हुसैन, मोहम्मद मेहदी, मेहदी हसन और मोहम्मद सैफुद्दीन की जगह मेहदी हसन मिराज आ सकते हैं, तस्कीन अहमद की जगह नसूम अहमद, यहाँ पे बात करें नसूम अहमद बहुत ही अच्छे स्पिनर है तो इनको मौका मिलेगा, मुस्तफिजुर रहमान को मौका मिलेगा और ये प्रॉपर बॉलर है तो इनको तो खिलाना ही है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका यहाँ पे दिनेश चांदीमल देख सकते हो धनुष्का गुंतिलका की जगह पे, और चरित श्रीलंका कुशाल मेंडिस, भानुका राजपक्षा, दसुम सनाका, वहिंदू हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश तिक्साना, दिलशान मधुसांका और मथीसा पथिराना, तो ये प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलेंगे। रिकॉर्ड्स के सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड, तो 12 में से 8 श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने 4, तो बांग्लादेश की बात करें बांग्लादेश के जब से इनके इंपॉर्टेंस प्लेयर नहीं खेल रहे हैं तस्कीन अहमद जैसे, तो बांग्लादेश एक काफ़ी वीक साइड में आ गई है और श्रीलंका के भी कुछ सीनियर प्लेयर नहीं खेल रहे हैं तो दोनों टीम एवरेज परफॉर्म कर रही है, लेकिन बांग्लादेश श्रीलंका के कंपेयर बहुत ही डाउन है क्योंकि इनके जो इम्पोर्टेंस प्लेयर थे और अभी प्लेयर्स भी फॉर्म में नहीं है। श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका ने 4 चेस करते हुए जीता है और डिफेंड 4 करते हुए जीता है, बांग्लादेश 2 डिफेंड 4 चेस करते हुए जीता है। लास्ट मैच यहाँ पे निसार ट्रॉफी हुआ था जो कि बांग्लादेशी श्रीलंका काफ़ी स्ट्रगल की थी बांग्लादेश के सामने, लेकिन श्रीलंका अभी काफ़ी परफॉर्म में है, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को ओडीआई में हरा के आ रही है। रिकॉर्ड इस वेन्यू पे बात करेंगे तो इस पिच पे पहली बार दोनों टीम खेलने वाली है, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो तो 5 अगर लास्ट बांग्लादेश बात करें 4 कंटिन्यू मैच हारते हुए नज़र आ रही है, अफगानिस्तान माफ़ कीजिएगा यहाँ पे श्रीलंका की बात करें श्रीलंका का रिकॉर्ड देख सकते हो, श्रीलंका के रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट मैच जीती थी लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान से हारी है मैच। की प्लेयर्स जो कि आप फैंटेसी टीम क्रिएट करते हो तो इनको ले सकते हो, साकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद नैम, मेहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान, और यहाँ पे भानुका राजपक्षा, हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, कुशाल मंडे, धनुष सनाका को अपने टीम में पिक कर लेना।
अब यहाँ हम जो कि टीम क्रिएट करेंगे तो काफ़ी यहाँ पे क्रिएटिव टीम और काफ़ी शानदार टीम आपको बना के देता हूँ। टीम 11 पे टॉस के बाद भी अपडेट कर देता हूँ, कुछ चेंजेज होते हैं, टीम अपना कंटिन्यू बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो टीम 11 के लिए टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कीजिए। रहीम को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि जितने भी यहाँ पे है, अगर दिनेश चांदीमल आते हैं तो ज़रूर पिक कीजिएगा इनको, और जितने भी यहाँ पे विकेट कीपर है रहीम ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मोहम्मदुल्ला, भानुका राजपक्षा, धनुष्का गुणतिलका, ये आपको तीन बैटिंग ले रहा हूँ। ज़्यादा मैं ऑलराउंडर लूँगा क्योंकि ऑलराउंडर ही यहाँ पे बैटिंग और बॉल दोनों से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। साकिब अल हसन, वहीदु हसरंगा और होसैन करुण चमिका करुणारत्ने, मुस्तफिजुर रहमान, नसुम अहमद अगर खेलता है तो इसको ज़रूर पिक कीजिएगा। और महेश टिकसाना, नसुम अहमद को आप ग्रांड लीग टीम में भी ट्राई कर सकते हो कैप्टन के बदल, अगर खेलता है ज़्यादा चांसेस है स्पिन फ्रेंडली पिच हो गया तो इसको लाया जाए। साकिब अल हसन को कैप्टन, वाइस कैप्टन वहीदु हसरंगा को बना रहा हूँ, दोनों अच्छे हैं स्पिनर है, स्पिन के यहाँ पर मदद मिलेगा। तो ये आपको टीम रहा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो क्योंकि यहाँ पे सारे मैच के अपडेट आपको मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।